है महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिस तरह से आप 26 जुलाई को अभी ये कावड़ यात्रा आप निकालेंगी, उसमें लैंगिक समानता की बात आपने कही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक महीना का ऐसा शिव का माह मिला है। सावन का माह है, हरेले का माह है, प्रकृति का बड़ा संदेश इस माह के माध्यम से जाता है। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के और इस विशेष माह में एक संकल्प लेने की बहुत आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई। वह संकल्प ये कि हमारी जो, चाहे वो हमारे प्रदेश का स्तर का हो, चाहे हमारे देश का स्तर हो का हो, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को छेड़ा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये हमारा भी संकल्प बनता है कि उत्तराखंड, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसको देवी की भूमि के नाम से भी जाना जाए। एक बच्ची को पैदा होने का उसका हक ना छीना जाए, एक बच्ची को पैदा होने पे भी असमानता का दंश झेलना पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही मेरा संकल्प है कि मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महा में शक्ति का संकल्प। यह पूरी यात्रा जो है एक कांवड़ यात्री के रूप में स्वयं में हर की पैड़ी से प्रारंभ करते हुए, महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए, आपके ऋषिकेश मंदिर में, महादेव के मंदिर में जो है जलाभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, जहां समापन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश इसके माध्यम से जाएगा कि हमारे को लैंगिक असमानता पैदा होने से लेकर आगे वाले समय, पैदा होने के उपरांत के अवसरों में जो असमानताएँ हैं उसे खत्म करना, शिव से इसका आशीर्वाद लेना कि असमानता खत्म हो, उसी का संकल्प का ये पूरी यात्रा के रूप में आप देखेंगे। धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण, बाल विकास के लिए तमाम योजनाएं हैं और जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर भी महिलाओं के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो आने वाले समय में उनके लिए सुखद साबित होंगी। तो वहीं खेल को लेकर भी तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जिनको लेकर, चाहे कोटे की बात हो, साफ तौर पर रेखा जी ने कहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ न्यूज़ इंडिया हितेश त्यागी, देहरादून।